हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड के जनसंख्या के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड के जनसंख्या को जानने से पहले कुछ उत्तराखंड के बेसिक चीज़ों को हम लोग रिविज़न कर लेते हैं। उत्तराखंड का गठन जो है 9 नवंबर वर्ष 2000 में हुआ था और यह भारत का 27वां राज्य बना था। हमारी राजधानी देहरादून है। जनसंख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा जो क्षेत्रफल है वो 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है। आज हमारे भारत में टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। जब इन दोनों को मिलाकर देखेंगे तो हमारा एरिया वाइज स्थान 19वां आता है। जैसे भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज वो है राजस्थान, उसी तरह से हमारा जो राज्य हो जाएगा वो 19वां हो जाएगा। लेकिन यदि हम केवल 28 राज्यों में देखें तो हमारा स्थान जो है वो 18वां हो जाएगा। अब हमें ये ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन में केवल राज्यों में पूछा गया है या राज्यों सहित यूनियन टेरिटरी में पूछा गया है, उस हिसाब से हम लोग अपना आंसर देख लेंगे। उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं, दो डिवीज़न में बटे हुए हैं, गढ़वाल और कुमायूं। गढ़वाल में 7 जिले हैं, कुमायूं में 6 जिले हैं। यह हमारा उत्तराखंड का एक मैप है जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें दिख रहा है। यह भी एक उत्तराखंड का मैप है जिसमें डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं। हमारा राजकीय पशु कस्तूरी मृग है, हमारा राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है, राजकीय पक्षी मोनाल है और राजकीय वृक्ष हमारा बुरांस है। अब हम लोग उत्तराखंड के जनसंख्या के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड की जनसंख्या हो या पूरे भारत की जनसंख्या हो, वो अनुच्छेद 246 के अकॉर्डिंग यह केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो जनगणना कराए। यह 7वीं अनुसूची में संघ सूची का एक विषय है जनगणना। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जनगणना जो है वो किस सूची में है, तो वो संघ सूची में है, अर्थात कि यह केंद्र सरकार का विषय है, यह केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है। हम लोग जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं जिसमें से कि एक सूची संघ सूची भी है। जनगणना कराने के लिए ही 1961 में गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना विभाग का भी गठन किया गया, अर्थात कि जो जनगणना का प्रोसेस है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2011 का जो थीम था हमारा वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2021 जनगणना के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता है कि कब होगा और कब इसका डेटा आएगा, लेकिन इसका थीम पहले बताया गया था जन भागीदारी से जन कल्याण। चूँकि 2021 का जनगणना इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसी समय 2020 में ही कोविड आ गया था, इसलिए हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है वो 2011 के ही अकॉर्डिंग हम लोग जनगणना पढ़ेंगे। हमारा जो फर्स्ट जनगणना है वो 1872 में हुआ था। तब भारत के वायसराय जो चौथे वायसराय थे वो लॉर्ड मेयो थे। चौथे वायसराय लॉर्ड मेयो थे और साथ ही साथ गवर्नर जनरल भी होते हैं। मैंने कई बार इस कॉन्सेप्ट को बताया कि वायसराय कौन है और गवर्नर जनरल का मतलब क्या होता है। वायसराय का जो पोस्ट है ये 1858 में क्रिएट किया गया था। इस तरह से 1872 में लॉर्ड मेयो जो थे वो चौथे वायसराय थे। इनका कार्यकाल 12 जनवरी 1869 से लेकर 8 फरवरी 1872 तक था। फिर नियमित जनगणना जो है 1881 से स्टार्ट होती है। तब रिपन का काल था। इनका कार्यकाल 8 जून 1880 से लेकर 13 दिसंबर 1884 तक था। हमारा पहला जनगणना जो है 1872 में हुआ। इस तरह से 2011 जनगणना को हम लोग देखें तो यह हमारा 15वां जनगणना था। उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है यह 1,86,292 है। यदि हम टोटल भारत के पर्सपेक्टिव में देखें तो टोटल भारत की जनसंख्या जो थी वो 2011 में 121 करोड़ थी। तो 121 करोड़ का ये जो 1 करोड़ है लगभग 0.83% हो जाता है और यह यूनियन टेरिटरी और स्टेट का मिलाकर क्रम वाइज में हम लोग देखें तो यह 20वें स्थान पर आएगा। जैसे कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है और थर्ड नंबर पर बिहार में है। उसी तरह से हमारा स्थान 20वां लगता है। यदि केवल हम राज्यों में देखें तो हमारा स्थान जो है 18वां पड़ता है। हमसे 2 यूनियन टेरिटरी आगे हैं, एक दिल्ली और एक जम्मू कश्मीर, तब हमारा स्थान जो 20वां हो जाएगा। नहीं तो केवल स्टेट में हम लोग काउंट करें तो हमारा 18वां हो जाएगा। ये जो 1 करोड़ की जनसंख्या है इसमें 51% लगभग पुरुष हैं और 49% महिलाएं हैं। चूंकि हमारे 13 जिले ही हैं तो 13 जिलों को हम लोग क्रोनोलॉजी देखेंगे कि कहां पर कितनी जनसंख्या है। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है 18.74% के आसपास। फिर देहरादून है, फिर उधम सिंह नगर है, नैनीताल 5वें नंबर पर, पौड़ी 6ठे नंबर पर, अल्मोड़ा 7वें नंबर पर, टिहरी 8वें नंबर पर, पिथौरागढ़ 9वें नंबर पर, चमोली 10वें नंबर पर, उत्तरकाशी 11वें नंबर पर, बागेश्वर 12वें नंबर पर, चंपावत और 13वें नंबर पर रुद्रप्रयाग। अर्थात की सबसे कम जनसंख्या जो है वो रुद्रप्रयाग में रहती है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार में रहती है। अब हम लोग देखेंगे दसकिया वृद्धि। दसकिया वृद्धि का मतलब बहुत ही सिंपल है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितनी जनसंख्या बढ़ी है। तो हमारी जनसंख्या 18.81% बढ़ी है और यह भारत का 18वां रहा है। जैसे सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो थी मेघालय की। मेघालय राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी, फर्स्ट नंबर पर मेघालय है और 18वें नंबर पर हमारा स्थान लगता है दसकिया वृद्धि में। ग्रामीण वृद्धि को देखें तो 11.52% लोग बढ़े थे। शहरी
जो लोग थे उनमें वृद्धि 39.94 के आसपास हुई थी। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा जो जनपद वार है वो किस तरह से बढ़ा है। सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में जनसंख्या बढ़ी थी 34.45%, फिर देहरादून में, हरिद्वार में, नैनीताल में, फिर चंपावत में, उत्तरकाशी में, सातवें नंबर पर रुद्रप्रयाग आता है, आठवें नंबर पर चमोली आता है, नौवें नंबर पर पिथौरागढ़ आता है, दसवें नंबर पर बागेश्वर है, ग्यारहवें पर टिहरी गढ़वाल है, बारहवें नंबर पर अल्मोड़ा है और तेरहवें नंबर पर पौड़ी है। इन दोनों जिलों में हमारा निगेटिव हुआ था ग्रोथ, अर्थात जैसे मान लीजिए कि अल्मोड़ा में -1.28% निगेटिव दिखा रहा, तो अर्थात कि 2001 में 100 लोग थे तो यहाँ पर 99 लोग हो गए थे 2011 में, ये घटा था हमारा जनसंख्या। तो सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि थी वो पौड़ी और अल्मोड़ा में हुई थी हम लोग देख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो उधम सिंह नगर में हुई थी। तो ये क्रोनोलॉजी हो गया घटते हुए क्रम में, इधर से हो गया, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये बढ़ते हुए क्रम में हो गया। जनघनत्व 189 जनघनत्व है, भारत का जनघनत्व 382 है, हमारा स्थान 25वां लगता है भारत में, जैसे कि फर्स्ट पर जनघनत्व जो है वो बिहार का है, और बिहार का जनघनत्व जो है 1106 लोग रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में। ये हमारा जैसे कि जनघनत्व है 189, इसका मतलब हो गया कि ये प्रति स्क्वायर किलोमीटर, ये 189 व्यक्ति जो हैं ये प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, ये जनघनत्व इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 2001 में हम लोग 159 व्यक्ति थे पर स्क्वायर किलोमीटर में, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हम लोग जनघनत्व निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं जनपदवार, सबसे ज़्यादा जो हमारा जनसंख्या घनत्व है वो हरिद्वार में है 801, फिर उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, और चूंकि हमारा अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि 189 हमारा जनघनत्व है, तो 189 से ऊपर 5 जिले हैं जिनके 189 से ज़्यादा हैं, फिर टिहरी 170 है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चंपावत पौड़ी में 129 लोग रहते हैं, रुद्रप्रयाग में 122 लोग रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में 41 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो हमने देखा सबसे ज़्यादा हरिद्वार में और सबसे कम उत्तरकाशी में। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर देखा जाता है, हमारे उत्तराखंड में 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं हैं, और यह भारत में 13वां स्थान ग्रहण करता है या रखता है लिंगानुपात में, जैसे फर्स्ट पर भारत में केरल है, यहां पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं रहती हैं। भारत का यदि हम लोग सेक्स जो रेशियो कहें, इंग्लिश में इसको हम लोग सेक्स रेशियो कहेंगे, तो सेक्स रेशियो जो है वो 943 है और हमारा उत्तराखंड जो है 963 है। 2001 में हमारा जो सेक्स रेशियो था वो 962 था, अर्थात कि एक बढ़ा है। शिशु लिंगानुपात भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, हमारा लिंगानुपात शिशु के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है, 890 है। शिशु का मतलब 0 से 6 वर्ष उम्र वाले बच्चे होते हैं जिसमें बालक और बालिकाएँ दोनों आएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 बालकों पर 890 बालिकाएँ यहाँ पर रहती हैं या जन्म हुआ उनका, और भारत में 919 था। ये जनपदवार हम लोग देखते हैं, दोनों चीज़ें देखेंगे, ये पहले सेक्स रेशियो हो गया, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो अल्मोड़ा में है, फिर हम लोग लिंगानुपात भी देखेंगे, शिशु लिंगानुपात, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी, पिथौरागढ़, इस तरह से हमारा क्रोनोलॉजी घटते हुए क्रम में हमें दिख रहा, फिर चमोली, चंपावत, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार, अर्थात कि सबसे कम जो सेक्स रेशियो है 880 वो हरिद्वार में है और सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है अल्मोड़ा में। अब शिशु लिंगानुपात में हम लोग देखें तो इसमें केवल दो डेटा हमें याद रख लेना होगा, सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा में ही शिशु लिंगानुपात है, लेकिन सबसे कम जो है यह पिथौरागढ़ में है, 816 केवल है पिथौरागढ़ में। अदर डेटा हम देख सकते हैं, साक्षरता दर 78.82% है और भारत में यह हमारा 17वां स्थान है। साक्षरता दर में फर्स्ट पर यदि हम बात करें तो यह केरल का स्थान आता है, उस तरह से हम लोग देखेंगे तो हमारा 17वां स्थान आता है। भारत की जो साक्षरता दर है वो 73% है। अब हम लोग देख लेते हैं कि महिलाएं कितनी साक्षर हैं और पुरुष कितने साक्षर हैं। पुरुष साक्षरता 87.40% है, महिला साक्षरता 70% है। अब इनका अंतर भी कई बार पूछा गया है, अंतर अर्थात कि पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कितना है, तो 87.4 माइनस 70 कर देंगे तो जो यहाँ पर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप स्वयं से एक बार माइनस कर लें, 87.4 माइनस 70 जो आएगा वो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। 2001 में हमारा जो साक्षरता दर था वो 71.6% था। अब हम जनपदवार देखेंगे, सबसे ज़्यादा साक्षर जो हमारा जिला है वो है देहरादून, जहाँ पर कि 84.25% जो जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी है।
नैनीताल, फिर चमोली आता है चौथे पर पिथौरागढ़, पांचवें पर पौड़ी, छठे नंबर पर रुद्रप्रयाग, सातवें नंबर पर अल्मोड़ा, आठवें नंबर पर बागेश्वर, नौवें नंबर पर चंपावत, दसवें नंबर पर टिहरी, ग्यारहवें नंबर पर उत्तरकाशी, बारहवें नंबर पर हरिद्वार और तेरहवें नंबर पर उधम सिंह नगर। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भारत की जो परसेंटेज है वो 73% है, लेकिन हमारे 13 के 13 जिले जो हैं वो 73% से ज़्यादा रख रहे हैं साक्षरता दर, अर्थात कि पूरे भारत की जो औसत साक्षरता दर है उससे ज़्यादा हर एक जिले जो है हमारे रखते हैं। अब नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या देखते हैं। यदि हम लोग बात करें शहरीकरण की, तो शहरीकरण हमारा 30.23% था, भारत का शहरीकरण 31.16% था। तो 30% जो हमारा शहरीकरण है, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि 100 में से 30 माइनस कर देंगे, तो लगभग हमारा जो 70% है वो ग्रामीण जनसंख्या है और 30% जो है वो शहरी जनसंख्या है। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। और हमारा जो ये स्थान है भारत में विश्व स्थान पर हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि फर्स्ट जो है वो गोवा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर शहरीकरण गोवा में हुआ है। 2001 में हमारा शहरीकरण 25.67% था। अब हम लोग देखेंगे जनपदवार शहरीकरण कि सबसे ज़्यादा शहरों में कहाँ के लोग निवास करते हैं, तो सबसे ज़्यादा देहरादून में 55.52% लोग शहरों में निवास करते हैं, फिर नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पाँचवें नंबर पर पौड़ी है, चमोली है, फिर चंपावत है, पिथौरागढ़ है, टिहरी में 11.33% लोग शहरों में रहते हैं, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, बारहवें नंबर पर रुद्रप्रयाग, 13वें नंबर पर बागेश्वर, केवल 3.49% बागेश्वर के जो लोग हैं वो शहरों में निवास करते हैं। तो हमने देखा सबसे कम बागेश्वर में और सबसे ज़्यादा देहरादून में लोग शहरों में रहते हैं। 1 लाख से अधिक हमारे उत्तराखंड में एक भी ऐसा शहर नहीं है जो कि 10 लाख जनसंख्या को क्रॉस करे। 1 लाख से अधिक आबादी वाले हमें यही कुछ जिले देखने को मिलते हैं, जैसे देहरादून में केवल 5,74,000 लोग ही नगरों में रहते हैं, दूसरे नंबर पर हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, ये उधम सिंह नगर में दोनों जिले हैं, रुद्रपुर और काशीपुर, रुड़की जो कि हरिद्वार में है, यहाँ पर भी 1,18,000 के आसपास जनसंख्या 2011 में रहती थी। तो ये केवल 6 ही जिले हमें दिख रहे हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है, और कोई भी ऐसा हमारा शहर नहीं है जो कि 10 लाख की जनसंख्या रखता हो, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग देखेंगे धर्म के अकॉर्डिंग, सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो हिंदू जनसंख्या 82.97% रहती है, फिर मुस्लिम जनसंख्या लगभग 14% हमें देखने को मिलती है, सिख 2.34%, फिर ईसाई चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर बौद्ध और छठे नंबर पर जैन, और रेश जो बचे अन्य 0.01%, काफ़ी कम। तो ये हमने क्रोनोलॉजी वाइज देखा। अब हम इनका दशकीय वृद्धि भी देख लेते हैं कि हिंदुओं में 2001 से लेकर 11 के बीच में कितनी दशकीय वृद्धि हुई, तो ये 17.7% हुई थी, मुस्लिमों में 43.5%, अर्थात कि लगभग हाफ जो है जनसंख्या, मान लीजिए कि 2001 में 100 मुस्लिम थे तो 2011 में ये जनसंख्या 143 हमें देखने को मिलेगी, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया 43.5% का मतलब यही है। सिख दशकीय वृद्धि जो थी वो 19.95% थी, ईसाइयों की जो दशकीय वृद्धि थी वो 26.9% थी, बौद्धों की घटी थी, बौद्धों की -3.23 घट गई थी, और जैन कि जो दशकीय वृद्धि थी वो 17.52% थी। तो इसमें हमें ध्यान देने वाली बात है जानने की कि जो सबसे कम यानी कि निगेटिव में ही हुई थी यहाँ पर दशकीय वृद्धि, वो थे बौद्ध में। अब हम लोग देख लेते हैं साक्षरता दर कि सबसे ज़्यादा साक्षर कौन लोग हैं, तो यहाँ से पता चल जाएगा हिंदू 74% लोग साक्षर हैं, मुस्लिम 51% लोग साक्षर हैं, सिख 73% लोग साक्षर हैं, ईसाई लगभग 88 हो जाएगा ये परसेंट, 87.9% है, फिर बौद्ध 76% लोग साक्षर हैं, और जैन 96% के आसपास साक्षर हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर लिंगानुपात देखते हैं, हिंदू 978 हिंदू का लिंगानुपात है, मुस्लिम 875, सिखों की लिंगानुपात जो है 898 है, ईसाइयों में 960 है, बौद्धों में 778 है, और जैनों में 930 हमें लिंगानुपात देखने को मिलती है। तो हमने ये धर्म वाइज भी देख लिया, दशकीय वृद्धि भी जाना, साक्षरता भी जाना, और इनकी परसेंटेज भी जाना कि हिंदू कितने रहते हैं प्रतिशत, मुस्लिम कितने प्रतिशत रहते हैं, लिंगानुपात भी हमने जाना। तो यह हमारा उत्तराखंड का टोटल सेंसस था। हम लोग शेड्यूल कास्ट का अर्थात कि अनुसूचित जाति के लिए अलग वीडियो में देखेंगे और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग वीडियो देखेंगे, तो वहाँ पर उनकी जनसंख्या और जो अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यह हमारा उत्तराखंड का सेंसस हम लोगों ने देखा।